इफेक्टिव वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कॉफी के बारे में बताएंगे जो दुनिया की सबसे महंगी कॉफी है, और ये कॉफी बिल्ली की पोटी से बनती है। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आमतौर पर कॉफी के फलों को पेड़ों से तोड़कर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। वहाँ अंतिम रूप देने के लिए उसको विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। इसके बाद वह मार्केट में आती है और अपने दाम पर बिकती है। वैसे तो हर कॉफी को प्राप्त करने के लिए एक नॉर्मल विधि होती है, किंतु दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक कॉफी लुवाक को बनाने की विधि बिल्कुल अजीबोगरीब है। इस कॉफी को बनाने की विधि ही इस कॉफी के महंगे होने की वजह है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इंडोनेशिया में कॉफी लुवाक कॉफी के फल बेरी को पाम सिवेट नाम की बिल्ली को खिलाकर बनाया जाता है। बावजूद लोग इसके इतने दीवाने हैं कि दूसरे विकल्प की ओर जाना पसंद नहीं करते। तो आइए जानते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास होता है और इसको कैसे तैयार किया जाता है। दुनिया की इस महंगी कॉफी को बनाने के लिए रेड कॉफी बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाने वाला खास किस्म का बीन्स है। यह बीन्स किसी पेड़ से तोड़ा गया फल नहीं, बल्कि यह इंडोनेशिया के जंगलों में पाई जाने वाली एशियन पाम सिवेट नाम के जंगली जानवर की पोटी से निकलता है। बिल्ली की प्रजाति का यह पाम सिवेट जानवर अधिकतर पेड़ों पर रहता है, लेकिन अब इस कॉफी को बनाने के लिए पाम सिवेट को पिंजरों में कैद करके रखते हैं, क्योंकि इस कॉफी की मांग लगातार बढ़ रही है और इसे बनाने का प्रोसेस इसी पर निर्भर है। इंसान स्वाद पाने के लिए जो भी करे सब कम है। कॉफी लुवाक कॉफी का टेस्ट पाने के लिए लोग जिस तरह से पैसे खर्च करते हैं वो देखते ही बनता है। इस कॉफी को बनाने के लिए सबसे पहले इंडोनेशिया में पाई जाने वाली एक लाल कलर की बेरी को इस पाम सिवेट नामक बिल्ली को खिलाया जाता है। यह बिल्ली इस बेरी के बीजों को नहीं पचा पाती, वह सिर्फ इसके गूदे को ही पचाने में सक्षम होती है। ऐसे में इस बेरी के बीजों को वह अपने मल के जरिए पेट से बाहर निकाल देती है। इसके बाद इन बीजों को अच्छी तरह धोकर सुखा लिया जाता है, और फिर इसी बीज को हम कॉफी लुवाक कॉफी के बीन्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से इस कॉफी के बीन्स को अंतिम रूप देने के लिए जिस तरह की कठिन विधि अपनाई जाती है उससे इस कॉफी का महंगा होना लाजमी हो जाता है। कॉफी लुवाक कॉफी को बनाने की विधि अजीबोगरीब तो है, लेकिन सवाल यह है कि इसको बनाया कैसे गया। आखिर ये कैसे पता चला कि इस कॉफी के बीन्स का टेस्ट बिल्ली के पेट में और बढ़ जाता है। इसका उत्तर पाने के लिए हमें 18वीं शताब्दी के इतिहास से रूबरू होना पड़ेगा। बात तब की है जब 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया पर डचों का कब्जा था। इन्होंने उसी वक्त कॉफी का भरपूर स्वाद लेने के लिए कॉफी के बगान को लगाया। इस बगान की कॉफी का स्वाद बड़ा ही मजेदार था, जिसने इसे मशहूर कर दिया। इसके बाद 1850 के आसपास डच लोगों ने इस बगान में काम करने वाले मजदूरों और यहाँ के निवासियों को इसका फल तोड़ने पर पाबंदी लगा दी। यहाँ तक कि उन्होंने इन पर नीचे गिरे फलों को उठाने की भी मनाही कर रखी थी। किंतु तब तक कॉफी का स्वाद इन स्थानीय लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर चुका था। ऐसे में डचों की पाबंदी के बाद लोगों ने इसका स्वाद पाने के लिए एक तरकीब निकाली, जो कि बड़ी अजीबोगरीब थी। इसके तहत इन लोगों को पता चला कि सीवेट बिल्ली इस फल को खाती है, मगर इसके बीज को पचाने में वो असमर्थ है। ऐसे में इन लोगों ने इसके मल से निकलने वाले बीज को उठाकर इस कॉफी को बनाना शुरू कर दिया। बाद में जब इन्होंने इसका स्वाद चखा तो यह कॉफी पहले की अपेक्षा अधिक टेस्टी थी। हालांकि जल्द ही डचों को भी इस कॉफी की विधि और उसके बढ़ते हुए टेस्ट के बारे में जानकारी हासिल हो गई, जिसके बाद वो भी इसी विधि को अपनाते हुए इस कॉफी का स्वाद लेने लगे। बस तब से इसी विधि के तहत इस कॉफी को बनाया जाने लगा। इस तरह देखते ही देखते यह कॉफी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। आज आलम यह है कि इसकी बढ़ती मांग व इसकी दुर्लभ विधि के कारण इसका मूल्य बहुत अधिक हो चुका है। इस कॉफी को बनाने की विधि भले ही अजीब हो, लेकिन यह कॉफी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। इस कॉफी को पीने से हमारे शरीर की पाचन क्रिया अच्छी रहती है, जिससे पेट साफ रहता है। इसके साथ ही इस कॉफी के सेवन से हाइपरटेंशन जैसी दिक्कतों से भी बचा जा सकता है। हालांकि जब इंडोनेशिया के स्थानीय लोगों ने इस कॉफी को बनाने की नई विधि अपनाई, तब यह सिवेट बिल्ली जंगलों में घूमती रहती थी। उन्हीं जंगलों में इस कॉफी के बीन्स को ढूंढा जाता था। फिर जैसे जैसे इस कॉफी की मांग बढ़ती गई, इस बिल्ली को बड़े पिंजरों में रखा जाने लगा। आगे धीरे धीरे इस बिल्ली को छोटे छोटे पिंजरों में कैद कर रखा जाने लगा, जिससे इस कॉफी के बिजनेस को करने के लिए छोटी सी जगह का ही इस्तेमाल हो। इसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए
एनिमल एक्टिविस्ट ने इसका विरोध किया। इनको बड़े और खुले जगहों पर रखने की मांग उठाई गई। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे महंगी कॉफी। क्या आपने कभी इस कॉफी का टेस्ट लिया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।